हेलो गाइस, रेंडर्स किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों के समय में भरवा टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम टमाटर को बीच से खोखला कर लेंगे और उसका सारा बीज निकाल लेंगे और उबला हुआ आलू लेंगे और मटर लेंगे। ये मैंने टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर और प्याज को पका लिया है 5 मिनट के लिए और इसे अब हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जी बनाने के लिए इसकी स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे, उसमें जीरा डाल देंगे, जीरे को चटकने देंगे, उसके बाद आलू डाल देंगे, आलू को मैश कर लेंगे, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और उबली हुई मटर डाल देंगे। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे भरकर दिखाती हूँ। टमाटर में इसे दबाते हुए भरना है, चम्मच की हेल्प से इसको भर लेंगे और सभी टमाटर को ऐसे ही भर लेंगे। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल डाल देंगे और सभी टमाटर को एक एक करके डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ को सेक लेंगे। इसे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो टमाटर इसी में गल जाएगी। तो इसे बस 5 से 4 मिनट तक पकाएं और इसे अब निकाल लें एक एक करके। तो सब टमाटर निकल गई, अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लाल मिर्च ली है, छोटी सी दालचीनी ली है और एक छोटी सी इलायची ली और थोड़ी सी जीरा ली है और सभी को गरम तेल में डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आती है, तो इसको ज़रूर डालें। और इसे अच्छे से भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें। इसमें मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाला है और इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे। मसालों का पकना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके सब्जी की अच्छी टेस्ट आती है। ये थोड़ी सी पक चुकी है, अब हम इसमें कूटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें इसे पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने इसे बस कूटा है। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब कुछ सूखी हुई मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और लास्ट में 1/2 टीस्पून किचन किंग पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। सब्जी का रेशियो पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी सबको अच्छे से मिला देंगे। मसालों को बिल्कुल अच्छे से पकाएं, इससे स्वाद बहुत ही अच्छी आएगी सब्जी की। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और जब इसमें उबाल आ जाए अच्छे तरह से तो टमाटर को डाल देंगे एक एक करके।
एक एक करके मैंने सारी टमाटर डाल दी है और अब इसे हम ढककर पकने देंगे, 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। और ये हमारी सब्जी अब पककर तैयार है, 5 से 6 मिनट हो चुकी है और टमाटर अच्छे से गल चुकी है। इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे, इसे गार्निश करेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, आप इसे रोटी चपाती किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। गाइज अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।